इत्मीनान वाली जान इत्मीनान की है बादुला मां फरमांदे ने इत्मीनान होए जेड़ा मुसीबत तो बाद पहला आसानी दा वेला आ जाए उलमा फरमांदे ने ओनु इत्मीनान किया जांदा है लेकिन काली सना उला पानी पति फरमांदे ने ना ना इंसान दी सारी उम्र दी कमाई अखां दे सामने लुटी जाए ओदी सारी दुनिया अखां दे सामने उजड़ जाए दिल फिर भी अल्लाह दा जिक्र करे ओनु इत्मीनान किया जांदा है तीन मुहर्रम नु करबला दे मैदान च डेरे लग गए आका हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे दस मुहर्रम नु जंग शुरू हो गई कौन है दिवाली दा निवासा अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा 18 साल दे अकबर दे सीने च तीर लगाओ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा 6 महीने दे पुत्र दे गले च तीर वजा हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा अब्बास सलमदार दे बादू कलम हो गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा ओनो मोहम्मद दी जवानी लुटी गई हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा कसम दे टुकड़े हो गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा सारी दुनिया अखां दे सामने उजड़ गई हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है सारी उम्र दी कमाई अखां दे सामने जिबाई हो गई कौन है दिवाली दा नवासा अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा पता नहीं आका हुसैन नु रब दे जिक्र च किन्ना कु सकून है सिर कट के नेजे ते आ गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा बोलो बोलो अल्लाह दा यही इत्मीनान है काली सलाउला पानीपति फरमांदे सारी दुनिया अखां दे सामने उजड़ जाए और जिदा सारा घराना ही कट गया दिल फिर भी अल्लाह अल्लाह करी जा रहा इतनी मुतमईन जान है मेरे हुसैन दी सारा कुंबा अखां दे सामने जिबा हो गया दिल फिर भी रब रब करे ते फिर मैं क्यों ना कहूँ खैरुल बशर की आँख का वो तारा हुसैन है शर की आँख का तारा इन नहीं पता कि रात 12 बजे बंदा बोलन जोगा नहीं रहिंदा पर मैं चौथी तकरीर पे करना लेकिन तुसी अजे मैनू लगदा कि दूजी पे सुनदे हो ते तुहाडा हुणे ये हाल है अजे ते मैं शुरू होया अजे करबला तो मदीने आउणा है ते तरह ऐ बगलां चो हाथ कढ़ के ते बुलंद करके मेरे आका हुसैन दा नाम लवो ते गूंज पाके कह दो खैर बशर की आँख का वो तारा हुसैन है खैर बशर की आँख का तारा हुसैन है जहरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है हर दौर में हुसैन तो जरूरत है कौम की हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है जब मैं सुनिया दा अकीदा बयान करा ते साडा भी अकीदा है हम हैं हुसैन के और हमारा हुसैनी बढ़ के कह दो हम हैं हुसैन के और हमारा माया या अय्ये तो हन नफ्सुल मुतमईना ऐ इत्मीनान वाली जान इत्मीनान यही है सारी उम्र की कमाई अखां दे सामने लुटी जाए सारी दुनिया अखां दे सामने उजड़ जाए दिल फिर भी रब दा जिक्र करे मेरे आका हुसैन दा सारा कुंबा कट के कुर्बान हो गया दिल फिर भी अल्लाह अल्लाह प्या करदा है यही इत्मीनान है जे को खुश्क मौलवी फतवा ना लावे ते तर्जमा यही बनदा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना ऐ हुसैन मेरे वल लौट के आ जा इरजी इला रब्बी की रादियतम मरदिया तू मेरे ते राजी है मैं तेरे ते राजी हाँ तू मेरे ते राजी है ते मैं तेरे ते राजी हाँ अज प्यो पुत्र नु आखे ना मैं तेरे ते राजी हाँ ते पुत्र सारी दिहाड़ी चौक च लुटियां पाउंदा है अब्बा राजी हो गया जे पीर मुरीद नु आखे ते मुरीद लुटियां पाउंदा है पीर राजी हो गया
वाह हुसैन मैं तेरी अजमत तो सदके जावा जिन्हों रब कहता मैं तेरे ते राजी हाँ आए हाय हाय और जिन्हों रब आखे मैं तेरे ते राजी हाँ और मुकाम की है रब कि मैं राजी होया। आइए करबला चलीए दस मुहर्रम है एक करबला होवे जिहड़ी दस मुहर्रम नूं फजर दे वेले शुरू होंदी है असर तक खत्म हो जाती है। ये करबला आका हुसैन ने वेखी है। करबला तो बाद एक होर करबला है जिहड़ी हुसैन की भैन सैयदा जैनब ने वेखी है जिहड़ी दस मुहर्रम की असर तो शुरू हो के मदीने तक सबर करती आ रही। दस मुहर्रम करबला का दिहाड़ा सारे दस मुहर्रम के दिहाड़े करबला के मैदान में ज़िबा हो गए। नबी की बेटी हजरत मौला कायनात की नूरे नज़र इमाम अली मुकाम की भैन सैयदा जैनब करबला का मैदान ते मगरब का वेला सैयदा जैनब फरमादिया ने मैं वेख्या कि वडेरी जी माई बुरका पाया ते पानी का प्याला लैके ना करबला के मैदान वाल तुरदी आ रही ते लिया के सैयदा जैनब की बारगह च पानी का प्याला पेश किया ते सैयदा जैनब दियां अखां चों अथरू आ गए। वो परदेसियां दे नाल प्यार करन वाली है तू कौन है ते रो के कहंदी सैयदादी मैं बेगानी नहीं मैं तुहाडी अपनी हाँ मैं करबला के पहले शहीद हजरत हुर दी बीवी हाँ ते बोल के कहंदी सोने ओ मैं पानी का प्याला लेके आई हाँ ऐ मेरी तरफों कबूल कर यारे सैयदा जैनब ने फरमाया पानी का प्याला ज़ैनुला बेदीन नु दे दे ज़ैनुला बेदीन बीमार है अज त्रै दिहाड़े गुजर गए पानी नहीं पीता। सैयदा जैनब पानी का प्याला लेके ज़ैनुला बेदीन दे कोल आईया ते आके फरमा दिया पुत्रा पानी पी ले। ज़ैनुला बेदीन रो के कहंदे भुखी अम्मा तुसी पानी पीता के नहीं पीता। सैयदा जैनब कहंदे आने पुत्रा पहले छोटियां दी वारी करबला दा मैदान मगरब दी नमाज दा वेला है पानी दा प्याला लेके बीबी सकीना दी बारगाह च आ गईआं ते आके फरमांदियां ने लै बेटी पानी पी ले। सैयदा सकीना कहदियां भुप्पी अम्मा तुसी पानी पीता के नहीं पीता। सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने बेटी पहले छोटियां दी वारी है भुप्पी अम्मा मेरे वीर ज़ैनुला बेदीन ने पानी पीता के नहीं पीता। सैयदा ज़ैनब कहदियां धीए पानी दा प्याला लेके मैं ज़ैनुला बेदीन दे कोल भी गई आं ते ज़ैनुला बेदीन कहंदा भुप्पी अम्मा जे पहले छोटियां ने पानी पीना है मेरी भैन सकीना मेरे नालों छोटी है बेटी मैं पानी दा प्याला लेके तेरे कोल आ गई आ। सैयदा सकीना ने पानी दा प्याला पकड़िया अपनी औलादा नु सीने ते लटा के सुकून लैन वालियो कलेजा फट जांदा है। सैयदा सकीना पानी दा प्याला लेके करबला दे मैदान वल जा रही आ ते सैयदा जैनब आवाज मार के कहदिया ने बेटी किते चली है रो के कहदिया ने बुबी अम्मा आपे ते कहंदे हो पहले छोटे पानी पी ओ करबला दी तपदी रेत ते मेरा वीर लेटिया है ओदी उम्र बहुती नहीं मेरे नालों भी छोटा है मैं पानी दा प्याला अपने वीर असगर दे कोल लेके चली आओ। सैयदा सकीना पानी दा प्याला लेके करबला वल जा रही आओ ठेडा लगा पानी दा प्याला जमीन ते गिर गया नौजवानों करबला दी तपदी रेत ने ते पानी पी लिया पर कौन है दिवाली दी आल पिया सी रह गई ताकत हुंदिया ओ ना जोर नी लाया इते बैठे मन रजाई पानी बाज पिया से तुरे गे इते दीन दुनिया दे साई मुसलमाना कलेजा फट जांदा। आइए करबला दा मैदान रात पैंदी जा रही अधी रात वेला मगरब दी नमाज पढ़ के सैयदा ज़ैनब खेमिया च निगाह मारी बीबी सकीना नदरी ना आईया सैयदा ज़ैनब नूं अपने वीर हुसैन दियां वसीयतां याद आ गईआं जिहड़ियां जांदी वरी आका हुसैन करके गए ने ते फरमांदे सन ज़ैनब मेरी पी सकीना दा ख्याल करी जिन्हां दे बाप मर जां उहदियां सारी उम्र कंधां नाल लग के रोंदी मेरे बाद मेरी बेटी सकीना ने रोना है मेरी बेटी सकीना नू रोना ना देवी जद
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਤੜਫ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਖੈਮਿਆ ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਕੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖੈਮਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮਦੀਨੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਰਬਲਾ ਚ ਡੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੋਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੇਟੀ ਏ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੋਣੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਗਈ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਚੱਲ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੈਦ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਕੀਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੱਢ ਖਾਲੀ ਤੁਰਜੇ ਬਾਪ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਰਖਵਾ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੈਮੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੈਮੇ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਿਓਰੋ ਕਫਨ ਲਾਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਈਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ 72 ਲਾਸ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਪਹਿਰੇ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 72 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰਬਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਡਰੋਨਾ ਉਤੋਂ ਕੇ ਪਹਿਨੇਰੀ ਰਹਿਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੇ ਆਜ਼ਮ ਦਰਦੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੈ ਆਜ਼ਮ ਦਰਦ ਗਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਭੈਣ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਨਿਆ ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਕਫਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੂਰੇ ਨਾਲੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ
ओ मेरा शहर मदीना ते मैं तेरी सोनी कबर बने दी लोगी सुट दे ने रोड कबराते ते मैं चंबे दे बाग लवे जे अज होंदा मेरा शहर मदीना ओ मैं तेरी सोनी कबर बना दी लोकी सुट दे रोड कबरां ते मैं चंबे दे बाग लवेंदी अद्धी रात दा वेला ते सैयदा ज़ैनब वीर दी लाश रख के पहरा दे रही हां ते घोड़े दे टांपां दी आवाज आई जिवें को करीब आ रहे हैं ना इवें घोड़े दे चलन दी आवाज आ रही ते सैयदा ज़ैनब रो के फरमांदियां होण वाले आ जरा गौर दे नाल अवी अगे अली दी बैठी है अपने वीर दा लाशा भी रख के बैठी है अपने पुत्र भी कोहा के बैठी है अपने पति दे ते अपने वेया दे लाशे रख के पैरा पई देंदी है ते उलामा फरमांदे ने कोड़ा सवार करीब आया ए गल सुन के उस शुतर सवार ने ते अगो ए जवाब अलाया मैं तुझ गरीब दा बाबा बचड़ी ते तेरा पैरा देखने आया सैयदा ज़ैनब रो के कहदियां ने उस वेले तू किथे सावे बाबा ते जदों शिमर ने तीर चलाया डंग का समदा मैं अखी दीठे ते मेरा अकबर गई दरिया नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए गौसिया नाराए गौसिया उस वेले तू किथे सा बाबा जदों शिमर ने तीर चलाया डंग कासम दा मैं अखी डिठे ही मेरा अस्कर गए इतर आया सारी रात अली दी बेटी लाशां ते पहरा देंदी रही सुबह फजर दा वेला होया ना ते सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबेदीन नूं आवाज़ मार के फरमा दिया ने ज़ैनुल आबेदीन पुत्रा कल 10 मुहर्रम सी अजान अकबर ने पढ़ी सी जमात तेरे बाबा हुसैन ने कराई सी पुत्रा सारे दिबा हो गए अजान भी आप पढ़ जमात भी आप करा असी तेरी इक्तदा दे अंदर खैमिया च निमाज पढ़नी आ इमाम ज़ैनुल आबेदीन ने अजान पढ़ी अहले बैत तहार दियां बीबियां ने पीछे निमाज नहीं थी निमाज पढ़ के जे सलाम नहीं फेरिया ते जालम यजीदी आ गए बीमार ज़ैनुल आबेदीन नूं बेड़ियां ला लईयां अहले बैत तहार दियां पाक बीबियां जिन्हां दे कदी सिर दा वाल किसे नहीं वेख्या जिहड़ियां कदे अपने हुजरे चों निकल के बाहर वेहड़े च नहीं आईयां उन्हां जालमां ने ऊठां दियां नंगियां पुश्तां ते बिठा लिया कैदी बना के काफिले नूं लै के हुण इबने ज़ियाद दे दरबार वल तुर पए ओ कूफे दियां गलियां हुण अली दी धी कैदन बन के जावे नौजवानों कलेजा फट जांदा है बीमार ज़ैनुल आबेदीन नूं बेड़ियां लग गईयां ते काफिला लै के तुर पए मैं ते तजमे करना कैदी हो के बीबी ज़ैनब ते जदों वल शाम दे चली कंप गया सी अर्श खुदा दा ते नाले कबर रसूल दी हिली इमामे ज़ैनुल आबेदीन नूं बेड़ियां ला लईयां आले बैतिये तहार दियां बीबियां नूं ऊठां दियां नंगियां पुश्तां ते बिठा लिया अज कूफे दे बाजारां च लैके जा रहे जदों कूफे दा मेन गेट आया ते सैयदा ज़ैनब ने आवाज मार के फरमाया यजीदी ओ काफिला रोक दियो मेरा रस्ता बदल दियो यजीदी बोल के कहंदे इस रस्ते थानी क्यों नहीं जाना ते सैयदा ज़ैनब रो के कहंदियां ने ज़ालिमो जदों मेरा बाप अली अमीरुल मोमिनीन सी मैं तो शहजादी बन के गुजरी सा अज मैनू कैदी बन के गुजरना पै गया है मेरे कोलों कैदी बन के गुजरिया नहीं जाना मैं इस
दरवाजे चो शहजादी बन के गुजरती रही हूं। जो मेरा बाबा अली अमीरुल मोमिनीन भी है, मैं शहजादी बन के गुजरती रही हूं। जालिमों कैदी बना के लेके जा रहे, मेरे को गुजरिया नहीं जाना। अचानक आवाज आई, मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है, मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है, मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है। सैयद ज़ैनब ने ख्याल किया, कौन है जिहड़ा मैनू भैन कह के आवाज़ा पिया मारदा है। इन करके आका हुसैन दे सर वल निगाह मारी, कौन है दे वाली दे नवासे दा सर नेड़े ते टंगिया है, पर मेरे आका हुसैन दे सर चो आवाज़ नहीं आ रही। सैयद ज़ैनब हैरान रह गई, ये केड़ा है जिहड़ा भैन कह के आवाज़ा पिया मारदा है। सैयद ज़ैनब ने इन करके कूफे दे मेन गेट ते निगाह मारी, हजरत मुस्लिम बिन यकीर दा सर टंगिया है, आप दे सर चो आवाज़ा आ रही। मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है, मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है। सैयद ज़ैनब एक निगाह मुस्लिम बिन यकीर दे सर वल मारी, दूसरी निगाह आका हुसैन दे सर वल मार रही। इधर मुस्लिम बिन यकीर कहते ने, मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है, इधर आका हुसैन दा सर नेड़े ते कुरान पिया पढ़दा है। सैयद ज़ैनब फरमांदियां, समझ आ गई, शहीद कल भी जिंदा सी, शहीद आज भी जिंदा। मेरी भैन गुजर जा सबर दा वेला है। सैयद ज़ैनब फरमांदियां ने, कूफे दे बाजारां च जा रही, कूफे दे बाजारां चो काफिला गुजर के जा रहा, लोग तमाशा ही छत्तां ते चढ़ के वेखदे ने पए। अली दियां धीआं जा रही, आका हुसैन दा सर नेज़े दी नोक ते टंगे है, खौली दे हाथ च नेज़ा है जिदे ते आका हुसैन दा सर है। अचानक एक मुकाम आया, काफिला रुक गया, खौली दे हाथ चो आका हुसैन दे सर वाला नेज़ा छुटिया, जमीन दे अंदर दब गया। वह पुटदा ते पुटिया नहीं जांदा, चुकदा ते चुकिया नहीं जांदा। खौली जालम इमाम ज़ैनुल आबदीन दे कोल आके कोड़ा मार के कहंदा, चल तेरे बाप दा सर चुकिया नहीं जांदा। इमाम ज़ैनुल आबदीन दियां अखां चो अथरू आए ते रो के फरमांदे ने, जालिमो उतारना जानदे हो चुकना नहीं जानदे। जालिमो उतार ते ले आ रहे, उतारना जानदे हो चुकना नहीं जानदे। आका हुसैन सर नेज़े ते नेज़ा जमीन दे अंदर है, खौली चुकदा चुकिया नहीं जांदा। इमाम ज़ैनुल आबदीन नूं कोड़े मार के ना नेज़े दे करीब लैके आए, कहंदे ने, पुछ तेरा बाप नेज़े ते कुरान पिया पढ़दा है, इहनूं पुछ तुरदा क्यों नहीं। इमाम ज़ैनुल आबदीन रो के कहंदे, बाबा तुरदा क्यों नहीं, बाबा जी चलो जालम कोड़े मार दे ने। आका हुसैन दे सर च आवाज आ रही, आना मजूर उन बेटा मैं मजबूर आ, आना मजूर उन बेटा मैं मजबूर आ। ते इमाम ज़ैनुल आबदीन कहंदे, बाबा 18 साल दा पुत्र दे के मजबूर नहीं होया, 6 महीने दा हथा दे के मजबूर नहीं होया, अब्बास दे बादू कलमे हो गए ओ तो मजबूर नहीं होया। सैयद ज़ैनब दे पुत्र सिपाही हो गए, बाबा मजबूर नहीं होया। बाबा हुण केड़ी मजबूरी आ गई, आका हुसैन दे सर चो आवाज आ रही, पुत्रा मेरी दी सकीना ऊंट तो डिग पई, पीछे मेरी बेटी सकीना ऊंट ते नजर ही नहीं आ रही। इमाम ज़ैनुल आबदीन दी अखां चो अथरू आ गए, ते आके अज करके पुपी ज़ैनब दी बारगाह च हाथ जोड़ ले, पुपी अम्मा मैनू ते बेड़ियां लगियां ने, जाओ जाके वेखो मेरी भैन सकीना ऊंट तो सकीना रो के कहती, पुपी अम्मा ऊठा ते कजादे भी कोई नहीं, पुपी अम्मा मैं ते ऊठ दी नंगी पुश्त ते बैठी आ, मैं उची हो के अपने बाबे दा सर पई वेख दी सा, अचानक नीचे गिर गई, मैं बड़िया आवाजा मारियां, मैं आखिया फुफी अम्मा मैनू नाल लै जाओ, फुफी अम्मा तुसी भी मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं आवाज मारी ज़ैनुल आबदीन मेरी भैन डिग पई है, मैनू नाल लै जाओ। मेरे वीर ज़ैनुल आबदीन ने भी गल नहीं सुनी, फिर मैं आवाज मारी, बाबा तुसी नेदे तो थले आ जाओ, ती डिग पई है, मेरे बाबा जान ने मेरी आवाज सुनी है। आका हुसैन दा सर नेदे ते टंगिया नेदा जमीन दे अंदर, ते सैयद सकीना नूं लिया गई ऊंट ते सवार कीता, खौली ने करके आका हुसैन दा सर वाला नेदा उठ
ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨ ਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੀ ਮਾਨੀਆਂ वीर ना होए ते उसकी दुनिया तो ले मुसलमान ने काफिला तुरदा जा रहा लोग छत्ता ते चढ़ के वेख रहे यजीदी आका हुसैन दा सर नेजे ते लेके जा रहे आका हुसैन दा सर नेजे ते कुरान पे पढ़ रहे पांच तन के घराने की अजमत तो जरा देखो सर नेजे पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं मेरे आका हुसैन दा सर नेजे ते कुरान पढ़ता जा रहा जालम काफिला लेके जा रहे थे इबने ज़ियाद दे दरबार च काफिला पहुंचे इबने ज़ियाद तख्त ते बैठा है मेरे आका हुसैन दा सर मुबारक एक थाल दे अंदर रख के इबने ज़ियाद दे सामने पेश किया गया जालम तख्त ते बैठा ते ऐन करके हाथ की छड़ी मेरे आका हुसैन दे लबा ते मारी कमली वाले आका दो जहां का एक वडेरा जैसे हाबीए जिदा नाम है हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला नु आप सामने खड़े ने ते ज़ैद बिन अरकम फरमाते ज़ालिमा क्यों मारना है रसूल फरमाते ने ज़ालिमा किवें दा बंदा है सहाबीए रसूल दा ते इना अदब करना है ते ओ हुसैन है जिनो कमली वाला कंधियां ते चुक के फिरदा रहा है छड़ियां अखां ना वेखिया है मेरा नबी अल्लाह आप चूसदा रहा मरना इबने ज़ियाद दे दरबार चो निकलिया रात पै गई काफिला जा रहा करीब ही कूफे दे खौली दा घर जिदे हाथ चो नेदा जिते ते आका हुसैन दा सर मुबारक सी ते खौली कह लगा जी अज दी रात काफिला इत्थे रुकना है ना सर मैनू दे दे हो मैं घर लै जाना ते सुबह फिर लैके आवांगा खौली ने आका हुसैन दा सर पकड़िया ते लैके अपने घर आ गया घर लिया के जालम बेईमान ने आका हुसैन दा सर तंदूर दे विच रखिया ते बीवी नू उठा के कहिंदा खाना बना के दे ते बीवी बोल के कहिंदी कित्थों आया ते बोल के कहिंदा माज़ल्ला वक्त दे बागियां दे नाल जंग करके आया बीवी ने खाना बना के दिता ते खाना खा के सौ गया बीवी तहज्जुद गुजार सी ते कमली वाले दी अहले बैत दी गुलाम सी हजूर दे घराने ना प्यार करने वाली है अद्धी रात वेले बीवी तहज्जुद दी नमाज खौली दी पढ़न उठी ना ते बीवी ने वेखिया तंदूर दे विचों नूर दियां लाटां पियां निकलदियां ने तंदूर दे विचों नूर पिया निकले बीवी वेख के हैरान रह गई बीवी तंदूर दे करीब आई ना ते विच आका हुसैन दा सर एक पासे सैयदा फातिमा एक पासे हजरत खदीजतुल कुबरा दी रूह है ये चार बीबियां ना हजरत मरियम ते हजरत आसिया आप दे अक्स पे नजर आन आप दियां तस्वीरां पे नजर आन ओ वेख के हैरान रह गई ते खौली दी बीबी दी चीख निकल गई खौली उठ के बाहर आके कहना रोनी क्यों है ते बीबी कहनी ज़ालिमा तू ते कहना वक्त दे बागी दे नाल जंग करके आया है ज़ालिमा ये ते हुसैन दा सर उतार के ले आए ज़ालिमा ये ते कमली वाले दा नवासा है ते खौली अपनी बीबी नु कहदा हुसैन नु किवें जाननी है ते बीबी कहदी याद कर मैं पिछले साल हज ते गई सा सारे लोग जाके हजरे अस्वद दा बोसा ले मैं भी हजरे अस्वद दा बोसा लैन गई अचानक हर में काबा दे अंदर एक नौजवान आया लोग हजरे अस्वद नु छड़ के नौजवान दे जाके हाथ चुमी जा रहे मैं देखिया नबी दा लाल हुसैन आया है नाले लोग जाके आका हुसैन दे हाथ चुमी जा रहे ते नाले लोग रोला पा रहे हजरे अस्वद चुमन वाली आओ आके नबी दे दोतरे दे हाथ ते पैर चुम लो हजरे अस्वद नु नबी ने एक बार चुमया है हुसैन नो नबी ने सुबह भी चुमया है शाम भी चुमया नारा है घर नहीं रहना मैं तेरे चली हां तू ते नबी दा कारी उजाड़ के आ गए हैं ते खोली बोल के कह लगा मैं ते तेनु तलाक ही नहीं दीती जदों तक तलाक ना होवे अलैदगी नहीं होंदी ते बीवी बोल के कह लगी जदों मजहब अलैदा हो जान तलाक आप ही हो जांदी है ना
तू अहले बैत का दुश्मन है ते मैं अहले बैत दी गुलाम हाँ। इत तारीख खामोश है कि खौली दी बीबी ने बाकी जिंदगी कित्थे गुजारी है। दिन चढ़िया ते आका हुसैन दा सारे फिर लेके आ गए। इब्ने ज़ियाद दे दरबार चो काफिला हुण यजीद दे दरबार वाले जा रहे हैं ते सैयदा ज़ैनब फरमादियां ने काफिले वाले हो यजीदी हो सानू एक वाह फिर करबला दे मैदान वालों फेरा दुआ के लै जाओ। हुण यजीद दे दरबार च लैके चले हो ना जरा करबला वालों लैके जाया जी मैं वेखा ते सही किसी लाशा नूं दफन भी कीता कि नहीं कीता। मुसलमान फिर काफिला करबला दे मैदान तो तुरदा दमिश्क दे बाजारा वल तुरिया यजीद दे दरबार वल जा रहा। जो यजीद दे दरबार वल काफिला लैके तुरे ना ते सैयदा ज़ैनब जो करबला दे कोलों दी गुजरियां ते करबला दा मैदान वेख्या ते अखां चो अथरू जारी हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोण लग पे। किसी ने आ गया ज़ैनुल आबिदीन क्यों रोना है। ज़ैनुल आबिदीन तू कल्ला कैदी नहीं बनया तेरे तो पहले रब दा नबी यूसुफ भी कैदी बनया है। अज कैदी बन के अखां चो अथरू आ रहे ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने कैद यूसुफ दी ते कैदिया बदी ते तुम्बा विच फर्क हजारा यूसुफ कला कैदी बने ते मेरे नाल ने पढ़दे दारा ते नाले रो के फरमा देने चालिया साल यूसुफ मिलिया बाप ते पाया मेरा बाप कियामत दी करे ये ते पा गया है जुदा। यूसुफ ते चालिया साल बाद तो जाके बाप ते भरावां नूं मिल पे असी मेरा बाप ते क्यामत तक भी छोड़े पा गया। अदीदारे ग्रामीय कदरे काफिला हुण तुरदा जा रहा दमिश्क दे बाजार च चलदा चलदा मुकामे हरान ते आया। जो काफिला मुकामे हरान ते आया ना इत्थे एक यहया हरानी रहिंदा जिहड़ा यहूदी है अपने किले की छत ते बह के ना तिलावत पिया करदा। उन्हें दूरों काफिला आउंदा वेख्या ना ते आका हुसैन दा सर नेज़े ते कुरान पिया पढ़दा। जिवें जिवें करीब आया ना वह भी जल्दी दे नाल अपने किले चो बाहर आया ते बाहर आके कहदा किदा काफिला ला रहा है। काफिले वाले हो जिदा सारे उतार के लेके आए हो ये सारे किदा लेके जा रहे ते यजीदी बोल के कह लगे वक्त दे बागी दा सिर लेके जा रहे। यहया हरानी कहदा इहदा नाम की है। यजीदी कहदा इहदा नाम हुसैन है ते यहया कहदा हुसैन ओ जिहड़ा फातिमा दा पुत्र है। कहदे हाँ हुसैन फातिमा दा बेटा है ते यहया हरानी बोल के कहदा फातिमा होवे जिहड़ी मुहम्मद दी बेटी सिर लैके आई दे बाप का नाम अली है। वह कह लगे इना कुछ किवें जानना है। यहया हरानी कहना इना का तदकरा मैं किताबा च पढ़िया है। जालिमो ये वक्त का बागी नहीं है ते मस्जिद नबवी का निमाली पिया लगता वक्त का बागी नहीं ते मस्जिद नबवी का निमाली है जिदा सिर लैके आए हो। यहया हरानी अंदर गया ते तलवार कढ़ के बाहर ले आया। तलवार बाहर ले आके यजीदियां दा जंग पिया करदा है नाले जंग पिया करदा नाले तलवारां पिया मारदा है ते तलवारां मार के कहदा जालिमो नबी दे नवासे दा सिर उतारन वाले हो ते नाले कहदे ओ वक्त दे बागी दा सिर लैके आया। ये वक्त दा बागी नहीं है ते मस्जिद नबवी दा निमादी है। नाले जंग पिया लड़दा नाले जारो कतार पिया रोंदा है ते नाले उची उची कलमा पिया पढ़दा ते कहदे ला इलाहा जो कल्या दिल घबरावेगा उते कमली आवेगा। जो कल्या दिल घबरावेगा उते कमली आवेगा। ओ आ कमली हेठ छुपा पढ़ ले ला इलाहा।
ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵੇ ਚੋਲੀ ਪਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵੇ ਚੋਲੀ ਪਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾ ओए तेरी हर मुश्किल कर हल देवा पढ़ ले ला इलाहा लाए हक ला इलाहा यजीदी बोल के कहने कलमा क्यों बिया पढ़ना है हरानी कहना की दसा इस कलमे दे राज में आ रे में इस डुब दे बेड़े तारे में ओए सानू दसिया कमली वाले ने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्ला ला मुकाबले छा गया पांडी के सीधी मारे किन्ने बोलो बोलो किन्ने पांडी के सीधी मारे अजे कूफे दे बाजार ने मदीना बड़ी दूर है मैं ना तुसी ते हुणे मठे पै गए हो भाई मैनू पता मैं पंजवीं जगह ते नहीं पहुंच सकता फोन उन्हां दे बड़े आ रहे ने मैं खड़ी दुआई कर लो ओ टाइम पंजवां भी मैं दिता है जी इस तो बाद भी मैं जाके सुख नहर ते तकरीर करनी है फ्लैक्सां लगियां ने अपलोड होईयां ने मैं बड़ा मना कीता सी मैं कहिंदा मेरे कोलो नहीं आया जाना वह कह लगे जी तुम आना ही आना मैं क्या चलो फिर जे आया गया तो मैं जबरदस्ती नहीं की उन्हें जबरदस्ती की है आपे फ्लैक्सा छपा लगे ने आंधे जी फजर तक थोड़ा इंतजार है तो हूँ मैं तो मदीने लैके ही आना मेरा वादा थी शकील भाई ना कि मैं करबला तो वापसी अर्द करा तो मैं कोशिश करना चलो मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता भी जावा नाल नाल यहिया हरानी ने कलमा पढ़िया ना तो पांच यजीदी मारे तो आप भी शहीद हो गया अज भी हरान के मेन गेट से यहिया हरानी का मजार है हुण यजीदियां ने वेख्या कि बगावत बन गई है जिधरों भी आका हुसैन का सर लैके जा रहे हैं लोग तो वेख के कलमे पढ़ते हैं उन्हें यजीद नूं पैगाम भेजिया कि इत्थे ते बगावत बन गई है कबीले का चौधरी यहिया हरानी असीं मार दिता है इह ना होवे कबीले वाले तलवारां कढ के आ जाण ते साडा की बनेगा वह बोल के कहण लगा जी हुण काफिला बाजारां थानी ना लैके जाओ हुण काफिला जंगलां थानी लैके जाओ लेकिन हरान के अंदर ना आका हुसैन की एक लौंडी सी बाद फरमाते ने कि आका हुसैन की मूह बोली बेटी सी रोजा तो शुहदा किताब का नाम है वो अंदर बात मौजूद है वह नाम है शीरी बीबी की नाम है आका हुसैन की मूह बोली बेटी है तो आका हुसैन ने वो शादी कूफे की थी हरान मुहल्ले के अंदर जो तो शादी की तो शीरी बीबी जान लगे कहती बाबा धियां की शादी एडी दूर नहीं करी थी नाले तो मूह धी बनाया जे नाले एडी दूर शादी की थी जे मेरे आका हुसैन ने सिर ते हाथ रख के फरमाया धीए जे अल्लाह वक्त वफा की ना तेनू मिलन जरूर आवांगे जो आका हुसैन मक्के तो मदीने तो मक्के आए तो मक्के तो करबला तुरे ना तो श्री बीबी ने भी खत लिख दिता कि श्री बीबी असी तेनू मिलन आ रहे हैं की पता सी उत्थे जंग होनी है क्योंकि हजरत मुस्लिम बिन अकील ते खत लिखा सी कि आ जाओ कई हजार कूफिया ने बैत की थी है कूफिया बैत ते की थी सी बगावत के बाद च बनी है आका हुसैन नहीं सी पता कि जंग करनी है जे जंग करन हुसैन जांदा ते छे महीने का पुत्र ना लैके जांदा जे जंग करन जांदा ते छे साल की तीस सकीना नूं नाल ना लैके जांदा मेरे आका हुसैन ते जंग दा इरादा लैके गए नहीं श्री बीबी नूं खत लिखिया धीए मिलन आ रहा बाप दो या तीन मुहर्रम नूं करबला पहुंचे दस मुहर्रम नूं वाकया खत्म हो गया इधर श्री बीबी बाप दीआं राहां पई वेखदी है अज भी रात प्यो धी नूं फोन करे ना सुबह नाश्ता तेरे कोल करना है सारी रात धी नहीं सौंदी मेरे बाप ने आना है मुड़ मुड़ के दरवाजे वाल वेख लिए कदों मेरा बाप आवे ते जिहदा बाप हुसैन वर्गा होवे ती किन्ने को इंतजार कर दी होवेगी श्री बीबी दरवाजे के बाहर बैठी है अज भी वीर जान या प्यो जावे ते तियां जहेज के नवे बिस्तर कढ़ के बिछाउंदियां ने मेरा बाप आया मेरा वीर आया ते श्री बीबी ने भी अपने नवे बिस्तर बिछा ले आंढ गुआंढ दियां बीबियां नूं इकट्ठियां करके कहंदी मेरा बाप आ रहा है इधर ओ दूरों काफिला आउंदे आ वेखिया ना ते श्री बीबी जल्दी ना सारियां बीबियां इकट्ठियां कर लईआं
ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਿਲਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਨੇਰੇ ਦੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਮਈ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੈਨਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਬੀ ਅੰਮਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਾਸਮ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇਰੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੈਨਬ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੀ ਆਈ ਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦੂ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਉਹ ਕਾਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੀਅਲ ਤੋਤਾ ਇਹਤੇ ਫਿਰਦੇ ਟਾਲੀ ਟਾਲੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਓ ਨਾ ਦਾਵਾਲੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਮਨੋ ਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਦਾ ਪੜਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵੀ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕਾਮੇ ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਨੂਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਵਾਲਾ ਨੇਜ਼ਾ ਪਕੜਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਵਾਲਾ ਨੇਜ਼ਾ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਥੜਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ 'ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦੀਓ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਖਨੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। 10,000 ਦਿਰਮ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਦਲੀ ਨੇ, ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਸ਼ਬੋ ਲਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
सुबह फजर दे वेले जदों नूर दी लाट पई ना अखां दे अंदर ते दिल दी दुनिया ही बदल गई। नाले कलमा पढ़दा जा रहा, नाले आका हुसैन दा सर लेके बाहर आया, किसी दी बोल के कदे कलमा क्यों पिया पढ़ना है। वो कहंदा जालिमो तुसी उतार के लेके आए हो, मैं कलमा एवें नहीं पढ़िया, मैं राती सारा कुछ वेख के पढ़िया, सारा कुछ वेख के पढ़े है, मैनू कलमा पढ़ना पै गया है। हुण जिधर जिधर भी आका हुसैन दा सर लेके जा रहे, रस्ते च करामतां ज़ाहिर होंदियां जा रही, लोग वेख वेख के कलमा पे पढ़ देन। यजीदी हैरान रह गए, किधर जाइए, किहड़े पासे जाइए, जिधर भी लैके जाने आप नेरे ते कुरान पिया पढ़ता है, लोगों नू कलमे पिया पढ़ाता है। पर जालिमा दी मत मारी गई, जिहड़ा सर उतारना चाहते सन, जिहड़ा सर नीवा करना चाहते सन ना, आपे ही उतार के ते आपे ही नेजे ते बुलंद करके पे फिर दे ने, आपे ही उच्चा करके फिर ही जा रहे, आपे ही उच्चा करके फिर ही जा रहे। ते फिर मैं क्यों ना कवा मौला अली दी जान ते जहरा दा नूर ऐन, मौला अली दी जान ते जहरा दा नूर ऐन, लखा दरूद ते सलाम आप ते। हुसैनिया वाली गल नहीं, हुसैनी बन के बैठे हो, मेरे आका हुसैन का जिक्र सुन बैठे हो, ते तेरा गूंज पा के निमाद पढ़ जाओ मसीते, ते सारी रात बह के अत्तहियात अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ता रहे, तेरी नमाज पूरी नहीं होनी। नमाज उदों ही पूरी होगी जो नबी दी आल ते दुरूद पढ़ेगा, और नमाज विच ते पढ़ना इत्थे क्यों शर्म आउंदी है। नाले ते आका हुसैन की कुरबानी का हक असीं अदा कर ही नहीं सकते, सारी जिंदगी साह साह दे नाल हुसैन 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 करते रहिए ना, फिर भी आका हुसैन के खून के एक कतरे का हक अदा नहीं होता। तो असी आका हुसैन का ना लैन के चिरकने हैं, ना ना चिचकना नहीं, गज के पढ़ना है ताकि लोगों को पता लग जाए हुसैन कल भी सुनिया दा सी, हुसैन अज भी सुनिया दा है। ते गूंज पा के पढ़ना मौला अली दी जान ते जहरा दा नूर ऐन, मौला अली दी जान ते जहरा दा नूर ऐन, लखा दरूद ते सलाम आप ते हुसैन, लखा दरूद ते सलाम आप ते हुसैन, दी छाल आवे सारे आगे आ जे, लखा दरूद ते सलाम आप ते। हुसैन दा सर लेके जा रहे, जिधर भी जा रहे अकराम तज़ाहर होनी जा रही। आइए काफिला चलदा चलदा यजीद के दरबार च आया, नबी दी बेटी हजरत मौला कायनात दी थी, हजरत सैयदा जैनब सामने खड़िया ने, हजरत सैयदा जैनब खड़िया, इमाम जैनुल आबेदीन बेड़ियां लगियां, यजीद इमाम जैनुल आबेदीन के नाल बदकलामी पिया करदा है, ते सैयदा जैनब सामने आके फरमांदियां ने, जालिमो जिन्ना कटना साजे कट लिया जे, हुण तुहाडी नहीं, हुण तुहाडी वाह पेश नहीं कि हुण तुसी किसे दा सिर उतारो, जे जैनुल आबेदीन दा सर उतारना ते पहले जैनब दा सर उतारना पवेगा। यजीदी ने तलवार नीचे कर ली, बोल हैरान रह गया, इमाम जैनुल आबेदीन सामने खड़े, इधर यजीद दी बीवी है जिदा नाम है हिंदा, की नाम है, बोलो बोलो की नाम है, हिंदा। हिंदा जिहड़ी है ना, ये अहले बैत दी गुलाम है। यजीद दी बीवी नूं खबर मिली कि एक काफिला आया है कैदी बन के, यजीद नूं कहन लगी कि मैं उस काफिले नूं मिलना चाहनी हाँ। यजीद ने ऐलान किया कि मेरी बीवी के हुजरे तो लैके ते तख्त तक पर्दे का इहतमाम कर दिओ, मेरी बीवी ने आके तख्त ते बैठना है। जो पर्दे की गल सुनी तो सैयदा जैनब टाई मार के रो पई हाँ, तो रो के कहंदी ने, जालिमा तेरी बीवी आवे तो पर्दे का इहतमाम करना है, और मैं तो उस माँ की धी हाँ जिसे सिर का वाल नंगा हो जाए तो हया का मारा सूरज बाहर नहीं आता, वो तेरे दरबार से कैदी बन के खड़ी है, तेरी धी तेरी बेगम आवे तो पर्दे के इहतमाम ने। यजीद की बीवी हिंदा अपने कमरे चो निकली, आके तख्त पर बैठ गई, सामने सैयदा जैनब खड़िया ने, तो यजीद की बीवी हिंदा कहती कितों के रहने वाले, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਣ ਪਰਮਾ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।
जो इनी गल की थी ते हिंदा बोल के कहती जे मदीने दे रहने वाली है फिर फातिमा नु जान दी होवेगी सैयदादे ने अपनी अपनी मां दा नाम सुनिया अजे बड़े दियाड़े गुजर के किसी ने फातिमा दा नाम नहीं लिया जो परदेसा च मां दा नाम सुनिया अखा चो अथरू आ गए ते रो के फरमादिया ने मेरे नालों वध फातिमा नु कौन जानदा है ते बोल के हिंदा कहती जे फातिमा नु जाननी है फिर फातिमा दी धी ज़ैनब नु जानदी होवेगी सैयदा ज़ैनब रो के फरमादिया ने मेरे नालों बोता ज़ैनब नु कौन जानदा है ते हिंदा बोल के कहती जे ज़ैनब नु जाननी है फिर हुसैन नु जानदी होवेगी करके सिंह परमादिया तू फातिमा नु किवें जाननी है तू ज़ैनब नु किवें जाननी है दस तू हुसैन नु किवें जाननी है ते हिंदा बोल के कहती मैं मदीने दे रहने वाली हां जो मैं मदीने रहती रही हाँ मैं फातिमा दे घर नौकरानी बन के रही हाँ मैं ते फातिमा दे वेड़े च झाड़ू भी देती रही हाँ मैं फातिमा दे वेड़े दे बर्तन भी धोती रही हाँ सैयदा ज़ैनब फरमादिया ज़ैनब नू किवें जाननी है हिंदा बोल के कहती उदो फातिमा दी छोटी जी बेटी भी आउंदी सी जिदा नाम ज़ैनब है वो पंगूड़े च खेड़ती आउंदी सी मैं पंगूड़ा झुलांदी रही हाँ सैयदा ज़ैनब रो के फरमादिया ने पुछण वाली है फातिमा मेरी माँ है ज़ैनब मैं ओ जड़े हुसैन दा पुछनी है ओ वेख मेरे वीर दा सर नेड़े ते टंगिया है इदा कश खा के जमीन ते डिग पई सैयदा ज़ैनब ने होश कराया होश करा के फरमादिया ने रोना ते हिंदा बोल के कहती यज़ीद बना ज़ालिम है ज़ालिमा तू ते कहना सबक ते बागियां दे नाल जांगे इत मेरे मालिक का गाड़ी उजाड़ के आया है सैयदा ज़ैनब फरमादिया चल तख्त ते बह जा यज़ीद दी बीवी दरबार तुहाड़ा है इन करके हिंदा ने सैयदा ज़ैनब दी बारगाह च हाथ जोड़ ले ते रो के कहदिया ने सैयदा जो मालिक आ जान नौकर तख्ता ते नहीं बैठ दे मजबाला मैं ते तुहाड़े घर दी नौकरानी आ तुसी मालक हो मैं तुहाड़ी नौकर आ ते रो के कहदिया ने सैयदा जो कियामत दा दिहाड़ा आया है तुसी गवायो जो मैं नबी दी आल दी गुलामा तुसी गवायो जो मैं तुहाड़े घर दी गुलामा जो कियामत दा दिहाड़ा आया है उस वेले नाने नु आखिया जे जो गुलामा दी गिनती करेगा विच मेरा भी नाम ले लिया उस जालम बेईमान ने कैदी बना के ना एक जेल खाने दे अंदर काफिले वाले नु बंद कीता काफिले वाले बंद हो गए जेल दे अंदर अगला दिन जुमे दा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर बगावत बन गई ना तो यहिया हर्रानी नु मार के आए सन पिछों लोग तलवारां कढ़ के आ रहे यजीद ने वेख्या बगावत बनती जा रही काम ते बिगड़ गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नु कहंदा दस की चाहना है मेरे आका हुसैन दे साहबजादे ने फरमाया मेरियां कुछ शर्तां पूरियां कर पहली शर्त ए वे मेरे बाप दे कातल मेरे हवाले कर दूसरी शर्त ए वे सानू मदीने जाण दे तीसरी शर्त ए वे सुबह जुमा है दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे मिंबर ते जुमे दा खुतबा ज़ैनुल आबिदीन देवेगा दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे मिंबर ते जुमे दा खुतबा ज़ैनुल आबिदीन देवेगा यजीद कहंदा पहली शर्त ए वे कि तेरे बाप दे कातल दियां यजीद बोल के कहंदा दसो भी हुसैन पाक नु किन्ने कतल कीता खौली कहंदा शिमर ने कीता शिमर कहंदा खौली ने कीता ते खौली डर के कहंदा यजीद जे मारे ना ते तेनु सही दसां किन्ने कतल कीता यजीद कहंदा दस खौली ने ऐन करके यजीद वल इशारा कीता कहंदा तू कीता जदो इशारा कीता ना कि तू कीता यजीद कहंदा मैं ते करबला विच गया ही नहीं ते खौली बोल के कहन लगा मिशन तेरा असला तेरा फौज तेरी हुक्म तेरा कातल असी नहीं असल कातल तू ही है जो यजीद ने वेख्या गल ते मेरे वाल आ गई है उन्हें गल बदली कहंदा दूसरी शर्त मदीने जान देंगा तीसरी शर्त पूरी करांगा सुबह दमिश्क दी जामिया मस्जिद के मिंबर ते खुतबा तुसी देवोगे हुन दमिश्क दी जामिया मस्जिद अगला दिन जुमे दा
जो जुमे का दिन आया ना अगला दमिश्क की जामे मस्जिद से इमाम जैनुल आबेदीन गए एक यजीदी मिंबर से बह के यजीदियां शाना पिया बयान करे एक अज दे नहीं अज भी उन्होंने नस्ल बाकी है जिन्हें पिछले दिन मिंबर से बह के यजीद रदी अल्लाह तआला अनहु आखे है जेडे यजीद के पैरोकार ने नस्ल अज भी बाकी है एक अज दे नहीं इन्होंने बाप दादे उदो भी मिंबर से बह के यजीद दियां शाना दसते सन इमाम जैनुल आबेदीन ने आके गिरे बांध तो पकड़ के मिंबर तो नीचे उतारे फरमाते ने जालिमा थले आ करबला तू वेखी एक मैं वेखी है इमाम जैनुल आबेदीन मिंबर ते खड़े हो गए मुसलमाना अज मेरे वर्गा नकम्मा जिहा बंदा वाकई करबला अर्द करे ते लोग रोंदे ने ते जिन्हें सारा कुछ अखी वेख्या जो दमिश्क दे मिंबर ते जैनुल आबेदीन सुनाया होगा लोगों का की हाल होया होगा इमाम जैनुल आबेदीन दमिश्क दी मस्जिद दे मिंबर ते खड़े हो गए सारा करबला दा वाकया जैनुल आबेदीन ने सुनाया लोग बेहोश हो जा रहे जो यजीद ने वेख्या काम बिगड़ गया है जल्दी आके कहते इकामत पढ़ो नमाज का वेला हो गया है जो इकामत शुरू की थी ना अशहद वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दे अल्फाज आए ना इमाम जैनुल आबेदीन फरमाते ने जिदा ना लिया ही ना इस ना का वास्ता ही बैठ जा वो बैठ गया इमाम जैनुल आबेदीन मिंबर से खड़े होकर फरमाते ने यजीदा दस अजान जिदा ना बोले है ये कि नाना है तेरा कि मेरा है तेरा नाना के मेरा नाना है यजीद बोल के कह लगा नाना ते तेरा ही है फरमाया जालिमा सारा कुंभा कुर्बान कीते ही ते ना आज भी अजाना विच ही बोलिया जा रहे है सारा कुंभा कट दिते ही ना फिर भी अजाना च बाकी है एक रात जड़ी फिर जेल खाने विच गुजारी है और रात जेल खाने दे अंदर इमाम जैनुल आबेदीन अरबी दे शेर पढ़ते रहे इन दयारी हसवा ये जड़े शेर अरबी दे पढ़े ने यह हो सकता किसी को समझ ना आवे कि जैनुल आबेदीन ने की आखे है एदा एक आशिक ने तर्जमा की था यजीद दा जेल खाना इमाम जैनुल आबेदीन अधी रात दा वेला ते मदीने वाल मुंह करके अरबी दे शेर पढ़ के कह दने आखी सोने मुहबाए नी जे तेरा गुजर होए आखी सोने मुहबाए नी मेहरबानी करो मैं तुहाडी जान छड्डूं अभी बंदे फिर भी मत्थे लगना हुंदा ते ए मेरे नाल पढ़ गो मिल के अद्धी रात दा वेला है पता नहीं केड़े वेले दे आके महफिल च बैठे हो ते हुण ते कबूलियत दा वेला है हुण कबूलियत दा वेला है हुण रो के आखो कमली वाले आ साडा सिदक अबू बकर वर्गा नहीं साडा अदल उमर वर्गा नहीं साडी हया उस्मान वाली नहीं साडी शुजा अली वाली नहीं पर कमली वाले अद्धी रात दा वेला ही असी हवावां दे हथ मदीने पैगाम कलन लगे हां ते गूंज पा के पढ़ो आखी सोने मुहबाए नी जे तेरा गुजर होए आखी सोने मुहबाए नी जे तेरा गुजर होए मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होए मैं मर के भी नहीं मरदा मैं मर के भी नहीं मरदा मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी यजीद जेल खाने चो निकल के मैं बाद मौकावा काफिला मदीने वाले जा रहा हजरत नुमान बिन बशीर काफिले दे नाल जा रहे जो आले बैत दा काफिला मदीने दे करीब आया अज मदीने दे लोग गलियां च आ गए मदीना पईआं बाद दे अंदर कियामत दे सुगरा बरपा हो गई हजरत उम्मे सलमा भी बाजार दे अंदर आ गईआं मुसलमाना उस बीमार बेटी दा की हाल होया होवेगा जिहड़ी बह के मदीने कहंदी सी सब परदेसी ए वतनिया ते तुम्हें अकबर मोड़ मोहारा वादा करके अमड़ी जाया ते मेरिया लैन नहीं आया सारा जड़ी भैन अपने वीर दियां रावां वेखदी है जड़ी अपने
बाप दियां उड़ीकां पई करदी ऐ। जदों काफिला मदीना तैयबा आया, हजरत बीबी सुगरा ने जाके सिंह ज़ैनब नूं जफा मारिया, ते जफा मार के कहदियां ने पुप्पी अम्मा मेरा बाबा किते छड़ के आई ऐ, पुप्पी अम्मा मेरा 18 साल दा वीर किते छड़ के आई ऐ, मैं ते अपने वीर दी शादी दियां तैयारियां कीतियां ने, वेख मैं इस घर दे जोड़े बना के रखे ने, पुप्पी अम्मा मैं किदे नाल खेडिया करांगी, मेरा 6 महीने दा वीर किते छड़ के आई ऐ। ते सैयदा ज़ैनब रो के फरमांदियां ने, बेटी चल मैं नाने दे रोजे ते चलनी आ, चला नाले तेनू भी दसनी आ, नाले सारा बाकी है करबला जाके नाने नू दसनी आ। मदीना तैयबा दे लोग भी कट्ठे होके नाल तुर पे, हजरत बीबी सुगरा ते उम्मे सलमा भी नाल तुर पईआ, आले बैद दा काफिला कमली वाले दे रोजे ते आ गया, ते सैयदा ज़ैनब मेरे नबी दे रोजे दे सामने खड़िया हो गईआ, ते रो के कहदिया नाना राधी वीर देख आई आओ, नाना दस राधी हो के नहीं हो आओ, अपने पुत्र बार की आई आ, नाना दस राधी हो के नहीं हो आओ, नाना इन्हां अखां दे नाल मैं अकबर दे सीने दा तीर वेखिया है, नाना दस राधी हो के नहीं हो आओ, नाना इन्हां अखां दे नाल अपने वीर दी गोदी दे अंदर 6 महीने दा तड़फदा वेखिया है, नाना दस राधी हो के नहीं हो आओ, नाना मावां नूं पुत्रां दे बड़े माणे आउंदे ने, मावां पुत्र जवान करदियां ने, असीं पुत्रां दी शादी करांगियां, नाना मैं ते अपने पुत्र वी वार के आईआं, दस राधी होए के नहीं होए आओ, अपने वीर हसन दे पुत्र कासम दे टुकड़े वेख के आईआं, नाना दस राधी होए के नहीं होए आओ, सैयदा ज़ैनब कमली वाले दे रोजे ते सारा वाकिया करबला सुना रहीआं। मदीना तैयबा दे लोग हज़ारों कतार रो रहे, अज मदीने च इंज पिया लगदा है जिवें कियामत सुगरा आ गई, सारे मदीने दे लोग हज़ारों कतार रो रहे, सैयदा ज़ैनब रो रो के सारा करबला दा हाल सुना रहीआं, ते नाने दे रोदे वल वेख के कहदियां ने, नाना जिहड़ियां मुसीबतां करबला विच मैं वेखियां ने, नाना जिहड़े वेले करबला विच मैं वेख के आई आं, अगर इस माइशा पहाड़ां ते ना दले आउंदियां, पहाड़ अपनी जगह छड़ जांदे, नाना अगर इस माइशा पहाड़ां ते ना दले आउंदियां, पहाड़ रेदा रेदा हो के गिर जांदे, पर नाना मैं कुंभा को हा के आई आं, तेरा वीर नहीं छड़िया, सैयदा ज़ैनब रो रो के वाकिया सुना रही आं, ते नाले रो के कहदियां ने, जिन्ना दुखां विच दिल भर लारी, ते सुखियो ना तो वारे दुख कबूल, मुहम्मद बख्शा ते राजी रहन पिया। मुसलमाना आले बैत तहार दा काफिला मदीने आया, केड़े दर्द नाल आया, केड़े दुख नाल आया, ये मेरे को अगे बयान नहीं किया जाना। सैयदा ज़ैनब ने सारा वाकया करबला नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह विच जाके सुनाया, मेरे आका हुसैन ने सारा कुंभ ही कुरबान की थे, इको शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुट्टी जाए भावे जोग हुसैन दी अज, पर जिंदा नाने दा दीन इस्लाम रह जाए। मेरे आका हुसैन इन दा खेड खेडिया करबला दे अंदर, जाना दी बाजी दे के इस्लाम बचाया मेरे आका हुसैन ने करबला दे अंदर। अगर सारी जिंदगी आका हुसैन दा नाम लेंदे रहिए फिर भी हक दा नहीं होंदा, अल्लाह करीम दी बारगे च दुआ है, अल्लाह करीम अज दी माफी दे पाक नू कबूल फरमा के साढ़े सारिया वास्ते जरिए निजात बनाए, सदा वसदा रवे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, किसी नू मान दौलत ते किसी नू है इबादत ते, ऐ सुनिया नू सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला العلي العظيم।